हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे एकदम परफेक्ट जालीदार ढोकला, जिसे बनाना बहुत आसान है। इसे हम आसानी से घर पर भी बना सकते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट और कितना जालीदार बना ये ढोकला। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने टाटा संपन्न का बेसन ले लिया। आपके पास जो हो आप वो बेसन ले सकते हैं। अब हम एक बाउल में एक कप और एक चौथाई कप बेसन ले लेंगे और इन्हें अच्छे से छान लेंगे, जिससे कि इसमें गुठलियाँ ना पड़े और हमारा ढोकला एकदम अच्छे से रेडी हो जाए। मैंने सारे बेसन को छान लिया है, देखिए। अब हम एक मिक्सर का जार लेंगे, उसमें हम 2 चम्मच चीनी डालेंगे और 1 चम्मच नमक लेंगे और इन्हें खट्टा करने के लिए 1 चम्मच सिट्रिक एसिड लेंगे, जिससे हमारा ढोकला एकदम खट्टा और चटपटा बनेगा। अब इसमें हम 1/4 चम्मच हींग लेंगे और 2 चम्मच ऑयल लेंगे। जब हम ढोकला पकाने के बाद खाएंगे तो वो हमारे गले में चिपकेगा नहीं और वो एकदम सॉफ्ट रहेगा। अब इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करके पीस लेंगे। देखिए मैंने मिक्सरन को पीस लिया है। अब हम बेसन को लेंगे। अब इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्दी के साथ। हल्दी हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि बाद में ना स्पॉट पड़ जाता है बेसन में, इसलिए हमें हल्दी का ज़्यादा उपयोग नहीं करना है। अब हम उस मिश्रण को मिक्स कर देंगे इसके अंदर जो हमने बना के रखा है और इन्हें अच्छे से विक्सी की सहायता से घुमाते हुए फेंट लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। देखिए मैंने 1/2 कप पानी लिया था और इसमें मिक्स कर दिया है और इन्हें हमें एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिक्स करना है। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर लम्स ना रह जाए। ये देखिए, हमारा बेसन अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमें इसकी थिकनेस इतनी ही रखनी है, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, इस हिसाब से हो कि आराम से चम्मच से गिर जाए और बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए मैंने जो 1/2 कप पानी लिया था उसमें ये थोड़ा सा पानी बच गया है। अब इसे हम ढक कर के 10 मिनट के लिए रख देंगे साइड में। तब तक हम एक केक टिन लेंगे या जो भी आपके पास बर्तन हो उसमें हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें हमने पानी को रख दिया है गर्म करने के लिए मीडियम फ्लेम पर लीड लगा के। 10 मिनट बाद देखिए हमारा ढोकला का बैटर सेट हो चुका है। देखिए उसी तरीके से है ये, ना एकदम से पतला हुआ है ना मोटा हुआ है। देखिए कितने अच्छे से सेट हो चुका है ये। अब इसमें हम 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए फटाफट 30 से 40 सेकंड तक इसे फेंट लेंगे। इसीलिए मैंने पहले से ही पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। देखिए ये बहुत जल्दी से फेंट जाता है और ये एकदम सॉफ्ट हो जाता है। अब इसे हम फटाफट एक केक टिन में डाल देंगे जिसमें हमने ऑयल ग्रीस करके रखा है। ये सारा प्रोसेस हमें जल्दबाजी में करना होता है ताकि इसके एयर ना निकल जाएँ। अब इसे हम फटाफट कढ़ाई में शिफ्ट कर देंगे। देखिए इस तरीके से संभाल करके, जब पानी गर्म हो तो गैस थोड़ा कम कर लीजिए और उसके बाद इसको उसमें रख दीजिए और ढक्कन लगा करके 15 मिनट तक रख दीजिए पकने के लिए। 15 मिनट बाद देखिए मैंने चेक करने के लिए ढक्कन निकाल दिया है। अब इसे हम एक चाकू की सहायता से चेक करेंगे। ये थोड़ा सा अभी भी गीला है तो इसे हम ढक करके 5 मिनट और पका लेंगे। 5 मिनट बाद देखिए मैंने इसका ढक्कन फिर से निकाल दिया है। अब इसे हम फिर से चेक कर लेते हैं। चाकू देखिए एकदम साफ निकल रहा है, मतलब हमारा ढोकला पक चुका है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसे चाकू की सहायता से चारों बगल से इसके एजेस निकाल देंगे और इन्हें हम एक प्लेट पे पलटी कर लेंगे। टैप टैप करके आराम से इसे निकाल लेंगे हम। ये ढोकला बहुत आराम से निकल जाता है। ये देखिए
कितना परफेक्ट और जालीदार और एकदम सॉफ्ट ढोकला बना हमारा, देखिए कितना हल्का है एकदम से, कितनी जाली पड़ी है इसके अंदर। मैं भी आपको एक काट करके दिखाती हूँ, देखिए कितने आराम से कट रहा है, एकदम सॉफ्ट ढोकला बना है ये देखिए कितनी सारी जालियाँ इसके अंदर पड़ी हैं, और ये देखिए कितना सॉफ्ट बना हुआ है ये। अब इसे हम कट कर लेंगे अच्छे से। ये ढोकला एकदम सॉफ्ट बनता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। देखिए मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया है, मैं आपको एक पीस उठाकर दिखाती हूँ। देखिए ये देखिए कितना बाउंसी है ये देखिए। अब हम इसे तड़के की तैयारी करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम एक चम्मच ऑयल डाल देंगे और उसमें आधा चम्मच राई डाल देंगे और 3 से 4 कटी हुई स्लाइसेस पीस में मिर्ची ले लेंगे और इन्हें हम तड़का लेंगे। इसमें हम कुछ कड़ी पत्ता डाल देंगे, उन्हें भी हम अच्छे से इसमें तड़का लेंगे। अब इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देंगे, पानी आप अपने हिसाब से रखिए, आपको जितना जूसी रखना है उस हिसाब से। और नमक चेक करके आप थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सिट्रिक एसिड और थोड़े से शक्कर और हल्दी डाल दीजिए। अगर आपको लगे ढोकले में कम है तो आप मिला दीजिएगा और इन्हें एक अच्छे से उबाल आने दीजिए। जब ये अच्छे से पक जाएं तो इन्हें गैस फ्लेम बंद करके ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद इसे आप ढोकले पर डाल दीजिए, जिससे हमारे ढोकला एकदम जूसी और सॉफ्टी बनेंगे। अब इस पर हम थोड़े से धनिया के पत्ते डाल देते हैं। मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जूस डाल दिया, वो थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व कर लेगा। अब तब तक हम इसकी चटनी बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक जार लिया है, उसमें 2 हरी मिर्च लिए, थोड़े से धनिया के पत्ते लिए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और थोड़ा सा नमक ले लिया 1/2 चम्मच तक, और 1/2 नींबू का जूस डाल देंगे। अब इसमें हम 1 से 2 पीस ढोकला डाल देंगे तोड़ करके, जिससे हमारी चटनी और चटपटी बने, टेस्टी लगे खाने में। ये देखिए बहुत आसानी से बन जाती है चटनी, और थोड़ा सा पानी मिला करके इसे हम पीस लेंगे। ये देखिए ढोकला के साथ खाने वाली चटनी भी एकदम आसानी से बन गई और हमारा ढोकला भी तैयार हो चुका है, एकदम जूसी ढोकला बना है देखिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ।